हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश। वेलकम टू लर्निंग पोर्टिको। एक बड़ा अपडेट सीबीएसई की तरफ से निकल के आ रही है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि 2021 का बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए रद्द कर दिया गया था। उसी से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर तय किया गया है कि आखिर में इंटरनल मार्क्स जो अलॉट होंगे बच्चों का, वो किस प्रकार होंगे। एक गाइडलाइन तैयार किया गया है स्कूलों के लिए, जिनके द्वारा इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। हम लोग अभी सीबीएसई के होम साइट पे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक न्यू वेबसाइट जो आइकॉन है, इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो खुलती है। हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें एक लेटेस्ट एट सीबीएसई, ये देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021। ये हाल ही में ये जारी किया गया है। इसमें आप एक पीडीएफ देख सकते हैं 17 पेज का। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग का ये पीडीएफ है, लगभग ये 17 पेज का पीडीएफ है। इसमें ये नोटिफिकेशन आप देख सकते होंगे, पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल्स। यहाँ पे जो इंटरनल मार्क्स अलॉट किए जाएंगे बच्चों को, उससे रिलेटेड एक गाइडलाइन दिया गया है स्कूलों को, जो फॉलो करना होगा। इसमें इन लोगों ने जिक्र किया है चैलेंजेस बिफोर अस, उन लोग के पास एक चैलेंज एंड ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। इसमें गाइडलाइन मूलतः ये इसलिए जारी किया गया है ताकि बच्चों को एक फेयर मार्क्स मिल सके, कोई पक्षपात नहीं हो, उसी से रिलेटेड एक गाइडलाइन तैयार किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि जो असेसमेंट ऑफ मार्क्स जो बच्चों के लिए है, वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होते हैं और 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के थ्रू। लेकिन इस बार तो बोर्ड एग्जाम होने वाली नहीं है, तो उसी से रिलेटेड आखिर में वो जो मार्क्स जो अलॉट होंगे वो किस प्रकार होंगे। देखिए, इसके लिए एक रिजल्ट कमेटी तैयार किया गया है। रिजल्ट कमेटी में कौन कौन होंगे? ईच स्कूल शैल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट। इसमें कौन कौन होंगे? एक प्रिंसिपल होंगे और 7 टीचर्स होंगे। और वो 7 टीचर कौन कौन होंगे? 5 टीचर्स फ्रॉम द स्कूल शुड बी फ्रॉम मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस। अपने ही स्कूल के 5 टीचर होंगे कौन कौन? जो मैथमेटिक्स के होंगे, सोशल साइंस के होंगे, साइंस के होंगे और 2 लैंग्वेज में भी, ये हिंदी इंग्लिश हो सकता है, कोई दूसरे भी लैंग्वेज हो सकते हैं अगर उस स्कूल में पढ़ाए जाते होंगे तो, जैसे फ्रेंच हो गया और अदर लैंग्वेजेस। एंड 2 टीचर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल शुड बी कोऑप्टेड बाय द स्कूल एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द कमेटी। और 2 जो टीचर होंगे वो उस सीबीएसई स्कूल के नियर बाय के हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल मेंबर होंगे कमेटी के। तो मूलतः 7 टीचर्स होंगे, जिसमें 5 टीचर अपने ही स्कूल के होंगे, वो मैथमेटिक्स के, सोशल साइंस के, साइंस के और 2 लैंग्वेजेस के, और 2 अदर टीचर होंगे जो एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे उस कमेटी में। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ द टेस्ट और एग्जाम के बारे में दिया गया है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, असेसमेंट किस प्रकार का होंगे, पीरियोडिक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट, जो मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, वो यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट के कैटेगरी में होते हैं, उनसे 10 मार्क्स लिए जाएंगे। वेटेज ऑफ मार्क्स कितना है? 10 है। हाफ ईयरली एंड मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो हम लोग का सितंबर के आसपास जो एग्जाम होते हैं, उनसे वेटेज ऑफ मार्क्स कितना होगा? 30 मार्क्स का होगा। एंड प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले डिफरेंट डिफरेंट स्कूल जो लेते हैं प्री बोर्ड, वो मे बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, तो उससे वेटेज ऑफ मार्क्स कितना है? 40 मार्क्स का है। टोटल हम लोग का वेटेज ऑफ मार्क्स हो गया 80, 40 प्लस 30 प्लस 10, टोटल कितना मार्क्स हो गया? 80। अब इसमें एक जिक्र यहाँ भी, ये भी किया गया है कि अगर प्री बोर्ड या पीरियोडिक टेस्ट कोई ऐसे स्कूल होंगे जो 2-3 लिए होंगे, तो वो किस प्रकार से अलॉट करेंगे असेसमेंट मार्क्स, तो उनका यहाँ पे देखिए, इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड 2 और 3 प्री बोर्ड
एंड इट मे डिसाइड टू टेक एन एवरेज ऑफ द थ्री एग्जाम्स, टेक द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द थ्री टेस्ट एंड गिव द वेटेज टू ईच एग्जाम एज कंसिडर्ड सुटेबल। अगर दो तीन लिए होंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि एक एवरेज ले सकते हैं, तीन प्री बोर्ड का एक एवरेज लेके और उसका वेटेज ऑफ मार्क्स जोड़ सकते हैं। तो ये गाइडलाइन दिया गया है स्कूलों के लिए कि आखिर में असेसमेंट ऑफ मार्क्स किस प्रकार तय किया जाए बच्चों का, जो बोर्ड एग्जाम 2021 में अपियर होने वाले हैं उन बच्चों का, टेंथ बोर्ड का। इसमें अलग अलग और भी ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें मूल रूप से और एक बात जिक्र किया गया है कि अगर ऐसे बच्चे होंगे जो बेंचमार्क को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, मतलब जो असेसमेंट ऑफ मार्क्स दिया गया तो उनमें क्या हुआ कि वो जो बेंचमार्क है वो अपीयर नहीं कर सके, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, इफ एन स्टूडेंट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंसिडर द अदर एक्टिविटीज सच एज पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट एटीसी। मेनली क्या है कि अगर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो असेसमेंट मार्क्स जो है पीरियोडिक टेस्ट हो गए या प्री बोर्ड हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीन है पीरियोडिक टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड, ऐसे में कोई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो अपीयर नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है कि उनके लिए वो स्कूल एक ऑर्गेनाइज कर सकता है क्या, प्रोजेक्ट वर्क या प्रेजेंटेशन इस प्रकार का, पोर्टफोलियो, क्विज, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, उसके आधार पे असेसमेंट ऑफ मार्क्स तय किया जा सकता है। एक क्राइटेरिया इसमें यह भी दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पत्राचार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बहुत बोर्ड देते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, फॉर पॉलिसी फॉर द प्राइवेट पत्राचार एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, इनके लिए क्या किया जाए? तो उनका कुछ अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, आखिर में असेसमेंट ऑफ मार्क्स उनका किस आधार पे किया जाएगा, तो उसके लिए सेपरेट जो स्कीम है वो बाद में आएंगे। इस पीडीएफ में कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी एक गाइडलाइन दिया गया है कि बच्चों का आखिर में कंपार्टमेंट एग्जाम किस प्रकार लिया जा सकता है। देखिए, कंडक्ट ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्कूल विल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन ऑनलाइन कंपार्टमेंट एग्जाम बेस्ड ऑन द सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर वो तैयार करेंगे क्वेश्चन और ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से कंपार्टमेंट एग्जाम स्कूल ले सकते हैं और वही मार्क्स को फिर वो अपलोड करेंगे सीबीएसई पोर्टल पे। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है कि रिजल्ट हम लोग को कब मिलेंगे, टेंथ बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो कब जारी किया गया है, तो उसका भी इसमें जिक्र किया गया है कि टेंथ बोर्ड का जो रिजल्ट है आप 17 पेज पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई, सीबीएसई के द्वारा 20 जून 2021 को ये जारी किया जाएगा रिजल्ट। हम लोग का जो रिजल्ट मिलेगा वो 20 जून 2021 को मिलेगा, ये सीबीएसई के द्वारा अपने वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो मूल रूप से ये एक शॉर्ट वीडियो था जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा टेंथ बोर्ड 2021 के लिए कि आखिर में असेसमेंट ऑफ मार्क्स जो होंगे, इंटरनल असेसमेंट, वो किस प्रकार होंगे, वो गाइडलाइन स्कूलों को दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट तक पहुंच सके। अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।